हेलो एवरीवन, पूनम की रसोई रसोई की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चलिए बनाते हैं। ये केले हैं, बहुत ज़्यादा हम टाइम केले रखते तो ये ऐसे पक जाते हैं काले, इसे फेंकेंगे नहीं। आज हम इसका ही रेसिपी बनाएंगे। ये देखिए, मैंने मिक्सर जार ले लिए, केले के छिलके निकाल दिए हुए और एक केले को हम कट करके डाल देंगे। दोनों दो केले हैं, दोनों को कट करके मिक्सर जार में डाल देंगे। आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या बन। बच्चों को भी बहुत पसंद है, आप टिफ़िन में दीजिए, नाश्ते में दीजिए, चाय के साथ खाइए। ये केले कट कर, ये गुड़ है, ये मैंने एक कटोरी लिया है, लेकिन ये गुड़ सिर्फ पौना कटोरी जाएगा, ज़्यादा नहीं। मिठास अपने अनुसार मैंने पौना कटोरी, ये गुड़ मेल्ट हो गए हुए हैं, ये वैसा वाला गुड़ है। आपके पास जो भी गुड़ है वो डाल दीजिए। ऐसा कट करके, ये मेल्ट है तो इसलिए मैंने ऐसे डाल दिए। ये मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा डाल करके हमें पीस लेना है। एक बार आप चला लीजिए, फिर थोड़े से गुड़ डाल दीजिए और ये देखिए एक पेस्ट बना लेंगे। ऐसे ही मैंने थोड़े थोड़े करके ये पौना कटोरी गुड़ डाले हुए हैं, ज़्यादा नहीं, पौना कटोरी ही डालना है। आपके पास खड़े गुड़ है तो उसको कट कर लीजिए, ज़्यादा दबा के ना भरिए। अब देखिए इसमें थोड़ी मोड़ी गुठली है तो चम्मच से हम इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए हम ऐसे चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे, जो थोड़ी मोड़ी गुठली है वो मिल जाएंगे। अब इसी में हम थोड़े से नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसी में हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 4 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। 3 से 4 चम्मच डालना है, लेकिन मैंने 4 चम्मच डाले हुए हैं। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से हमें एक मिक्सर लेना है और फेंट लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह फेंट लिया है, राउंड 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 राउंड। और ये है ना, बच्चों को टिफ़िन में आप बना के रखिए, बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए आप, ये अच्छा खासा दिन चलता है ये। अब इसी में मैंने आटा का इस्तेमाल किया है, ये 1 कटोरी आटा, जिससे मैंने गुड़ मापा है उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी गेहूं के आटे को ले ली हुई है। और इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं और आधा कटोरी देंगे। इस आधा कटोरी डालने के बाद हम फिर से मिक्स करें, हमें टोटल 1.5 कटोरी आटे लगे हुए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा डाल डाल के मिक्स कर। देखिए इस तरह मैंने मिक्स कर लिए हैं। और ये मिक्स करने के बाद देखिए थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल, मिक्सर जार हमें पीसे थे उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके 3 चम्मच 4 चम्मच हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको हमें क्या करना है, फूलने के लिए मतलब 10 मिनट आराम करने के लिए रख देते हैं। और फिर देखिए आराम हो चुके हैं ये बैटर को, थोड़ा सा 10 मिनट फूल जाएंगे तब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर स्वाद अनुसार। और ये मैंने ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश, ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैंने साइड में रखा हुआ है। और इसे भी मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आटा थोड़ा फूलना चाहिए ना, इसीलिए 10 मिनट इसको साइड में रख दीजिए फूलने के लिए। अब ये देखिए इसी में हम डाल देंगे मीठा सोडा, खाने वाला सोडा 1/2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच। और इसे डाल करके हम एक डायरेक्शन में फेंट लेंगे, एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे कि ये बैटर हल्का हो जाए। देखिए बैटर ये हल्का हो जाएगा, फटाफट एक तरफ राउंड कर लेंगे, गोल 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 राउंड कर लेंगे, मतलब राउंड कर लेंगे। अब ये देखिए बैटर कितना हल्का हो गया हुआ है। अब इसको साइड में रखते, ये मैंने टीन ले लिया है केक के, और इसी में हमने ऑयल डाल दिया, मतलब तेल लगा, मैंने पहले ही डाल के रख दिया और उसको लगा दिए। और ये मैंने बटर पेपर काट लिए हुए और उसी पे रख देंगे टीन के अंदर, और इसको हाथ से, उसमें तेल है, अपने आप लग जाएंगे, बस हमें लगा देना है। अब ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसको डाल देंगे। देखिए हमारा बैटर कोई बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ना ज़्यादा पतला, हमें इस तरह बैटर बनाना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना है, बहुत पतला भी नहीं बनाना है। अब ये बैटर डाल के थोड़ा टैप टैप कर देंगे, जो हमने काजू, बादाम और किशमिश बचाए थे उसे उस पर डाल देंगे, थोड़ा हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको टैप कर दें। अब ये मैंने टोप पहले से ही चढ़ा दिया, इसमें नमक डाल दिए हुए हैं और 5 मिनट के फुल आंच करके प्री हीट कर लिए। और इसमें मैंने 1 प्लेट रख दिए हुए हैं और ये केक के टीन रख देंगे। और इसको ढक करके ये हमें फुल आंच में सिर्फ 5 मिनट रखना, उसके बाद हमें मीडियम आंच में 45 मिनट रखना है। बीच में आप 35 मिनट में एक बार चेक कर लीजिएगा, इसे मुझे पकाने में 45 मिनट लग गए थे। अब ये देखिए मैंने ढक्कन खोल के देख रही हूँ और ये देखिए एक कांडी डाल के देख रही हूँ, एकदम
क्लीन निकलना है, मतलब हमारे केक हो चुके हैं। अब हम ये ठंडा हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए ठंडा हो गया है, थोड़ा थोड़ा गर्म है, ज़्यादा नहीं। अब छुरी हम साइड साइड से ऐसे कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। आप एक बार ये आटे के केक बनाइए, जो हमारे पास क्या बोलते हैं ना, केला ज़्यादा पक जाए इसका बनाइए। बहुत अच्छे ये आटा केक बनते हैं। ये बच्चों के लिए फ़ायदे, बड़ों हो या बच्चों, मैदे का खाते तो अपने शरीर में नुकसान होता है, इसलिए आप आटे के केक बनाएं। आप चाय के साथ खाएं, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, इसे बना के आप रख सकते हैं, तब जब चाहे तब आप निकालिए और खाइए। ये देखिए कितना फ्लफी और कितने अच्छे बने, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने हुए हैं ये आटा केक। अब इसे हम कट लेंगे, आपको जो आकार चाहिए वो आकार के कट कर लीजिए। ये तो मैंने बना के रखा था, 2 से 3 दिन तक हम लोग ने चाय के साथ बच्चों को टिफ़िन में दे दी थी, बच्चे बहुत प्यार से खाए थे। अब ये देखिए मैं कट कर ले रही हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो आपको मिल सके। देखिए कितने जालीदार और कितने सॉफ्ट ये आटा केक बनके रेडी हुए। देखिए मैंने इस तरह काट ली, जो आकार चाहिए उस आकार का हमने काट लिए हुए हैं। देखिए आप भी खाइए, हम भी खाते हैं, आप बनाइए और बहुत ही अच्छे बने। एक बार में ये आप ये केक, आटा केक बना सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत फटाफट सा हो जाता है। अब ये मैं तोड़ती हूँ और खाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।